होली पर जरूरतमंद बच्चों को सबसे बड़ा उपहार रंग गुलाल और पिचकारी होता है। बेटमा नगर के स्थानीय राजवाड़ा चौक पर ऐसा ही एक आयोजन हुआ, जहां नगर के जरूरतमंद बच्चों को इन्हीं सामग्रियों का वितरण कर फाग उत्सव मनाया गया, जिसे पाकर वे बहुत खुश हो गए। वहीं आगंतुक अतिथियों ने भी बच्चों और बड़ों को गुलाल लगाकर और पिचकारी वितरण कर होली की शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय खतेड़िया की प्रधान अध्यापिका बाल किशोरी जामोद प्रतिवर्ष जरूरतमंद बच्चों को होली पर्व के दौरान उत्सव सामग्री वितरित करती है। इसके साथ ही दीपावली पर फटाके, रक्षाबंधन पर राखी तो नव वर्ष पर गुड़ धनिये का वितरण करती है। साथ ही स्नेह भोज का भी कार्यक्रम आयोजित करवाती है। प्रधान अध्यापिका जामोद हर वर्ष यह आयोजन अपने स्कूल में ही करती है, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि बेटमा के जरूरतमंद बच्चों को भी यह सामग्री वितरण कर उनके चेहरे पर रंग भरी मुस्कान बिखेरी जाए। इसी उद्देश्य को लेकर बेटमा नगर में यह आयोजन किया गया। इसमें नगर के कई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि व पत्रकार उपस्थित रहे। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। बेटमा नगर में जरूरतमंद बच्चों के बीच में रखा गया था। यह कार्यक्रम आज बहुत ही उत्साहवर्धक और आनंददायी रहा। इस कार्यक्रम को मैं प्रतिवर्ष ग्राम खतेड़िया सारंग में किया करती थी, लेकिन कुछ अपने मन में विचार आया कि कुछ नए बच्चों को भी यह सामग्री दी जाना चाहिए, ताकि बच्चे उनके खुशी में शामिल हो सके। और यह कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और इस कार्यक्रम में हमारे समाजसेवी रामनिवास दाऊ जी, नीलेश उपाध्याय जी, हरपाल सिंह चौहान और भी देखा नगर के कई लोग शामिल हुए और पत्रकार बंधु ने हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।